सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का SSC MTS के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों SSC MTS का रिजल्ट का दोस्तों एक अनऑफिशियली डेट मेरे पास दोस्तों आया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक बने रहें, और दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी ठीक ठाक लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर पुराने तो बस इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो है पिछली जो वैकेंसीज आई थी, पहली चीज़ तो ड्रॉबैक्स ये होती है कि उसका रिज़ल्ट कितने दिन में आया था, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अगर SSC CHSL की, ठीक है, तो पिछले वाली बैच की बात कर रहा हूँ मैं। अब की वाली तो अभी दो दिन पहले उसके आंसर की आई है, ठीक है। तो पिछले वाली बात की बात कर रहा हूँ, तो मतलब लमसम पकड़ लीजिए 45 दिन के अंदर दोस्तों जो है प्री की रिज़ल्ट लग गई थी, ठीक है। प्री SSC CHSL प्री की रिज़ल्ट लग गई थी, ठीक है। दोस्तों मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो है प्री जो है बिल्कुल एक खाली कट ऑफ लगाना होता है कि प्री में इतने बच्चे होते हैं पास, ठीक है। मेंस में दोस्तों जो है असली जो है पोस्ट अलॉटमेंट वगैरह जो हो डिपेंड करता है, ठीक है। बट SSC MTS का दोस्तों इसलिए डिले हो रहा है कि SSC MTS में दोस्तों हर किसी को जो है एक MTS का अलग पोस्ट, हवलदार का अलग पोस्ट, दोस्तों इस तरह से रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है, आप लोग के प्रेफरेंस के हिसाब से। अब मैं आपको बहुत बोलता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अगर किसी जैसे मान लीजिए लद्दाख की MTS की पोस्ट, ठीक है, इसकी कट ऑफ गई है मात्र 120 मार्क्स, पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए 90 मार्क्स गई है इसके XYZ एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये दोस्तों इतनी ऑफिशियल कट ऑफ है नहीं, बट एक अंदाज बता रहा हूँ 90 मार्क्स का कट ऑफ गई है इसकी, और आप लोग की अगर 120 मार्क्स भी हैं, ठीक है, और आपने लद्दाख वाले को ऑप्ट नहीं किया, आपने उसके बदले XX कर दिया है, आपने सिर्फ एक दिल्ली कस्टम्स और मुंबई कस्टम्स और GST डिपार्टमेंट बस उसको ऊपर करके बाकी आपने कट कर दिया है, सबको नल कर दिया है, तो वहाँ पे दोस्तों आपका 120 मार्क्स होने के बावजूद आपका इस वाले में सिलेक्शन नहीं होगा। और किसी बच्चे का अगर 91 में आया होगा तो उसका हो जाएगा। तो यही सारे बातें हैं आप लोग के SSC MTS के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पे दोस्तों पल की जो अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल CRPF ट्रेड्समैन की यहाँ पे दोस्तों मैंने ये अपडेट आपको दे दी है, जो पूरी इसकी शेड्यूल आ चुकी है, ठीक है। पूरी शेड्यूल जो है दोस्तों इसकी प्लान हो गई है एज़ पर मिशन मोड, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग की मैंने यहाँ पे डाल दिया। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो अपडेट होती हैं, रिजल्ट एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ मैं आप लोगों को पहले ही, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास आप लोग अगर पहले से जुड़े होंगे तो इंडियन नेवी का रिजल्ट दोस्तों मैंने बता दिया आपको सुबह ही कि शाम को रिजल्ट आने वाला है आज, और कन्फर्म उसी दिन आया। और BSF HCM का भी एक अनऑफिशियल नोटिस मेरे पास आ गया था, तो मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया था। हो सके तो मैं आपका आपको लिए भी MTS का भी जो है एक अनऑफिशियल नोटिस दे दूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग को दोस्तों शायद यकीन हो जाए, ठीक है। तो कहने की बात दोस्तों ये है कि इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग का अपडेट था। और बात करते हैं SSC MTS का रिजल्ट, जो बहुत लोग बोल रहे हैं सर आजकल में रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आजकल में रिजल्ट नहीं आने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिजल्ट आएगा, ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं डैम श्योर है, ठीक है। इसके पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा, और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट आजकल में नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल में दोस्तों चांस है कि फेज़ 11 का रिजल्ट आप लोग के देखने मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। SSC फेज़ 11 का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी SSC MTS की बात करें तो SSC MTS में दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा निराशा होगी, बट 4-5 दिन का वेट करिए, आप लोग का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में दोस्तों कंफर्म है कि रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये बात नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, चैनल का नाम देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगर नहीं आया तो मुझे बोलिएगा, ठीक है। और यही दोस्तों अपडेट थी आज के SSC MTS के ऊपर। बाकी अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल पे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी सारे चीज़ें जो है वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम पे कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों A to Z सारी चीज़ जो है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे SSC फेज़ 11 रिजल्ट कमिंग सून, ठीक है। और यहाँ पे CRPF HCM रिजल्ट नो अपडेट, यहाँ पे जो है मैं आपको देखिए जो है वो हाँ, वो जो नहीं है वो ना, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो यही सारे दोस्तों आज के अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पे भी इंडियन नेवी का ट्रेडिशन का रिक्रूटमेंट दोस्तों का आया था, तो उसके लिए भी बहुत लोग जो है बोलते हैं सर वीडियो नहीं बना। तो देखिए बहुत मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, बाकी A to Z हर चीज़ का वैकेंसी का, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी वैकेंसी हो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ग्रुप D से हो चाहे ग्रुप A ग्रेजुएटेड तक हो,
ठीक है, तो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारे जेन्युइन अपडेट मिलती है। ठीक है, आने वाले समय में दोस्तों ये नंबर वन टेलीग्राम चैनल बनाना है मुझे इसको। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अगर आप लोग के मन में अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला ही रहता है हमेशा। ठीक है, और अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिखाना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर आने तो बस बने रहिए, इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। और इस टेलीग्राम पर जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल होगा आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, जीडी फाइनल रिजल्ट, एसएससी सीएचएस का आंसर कैसे देखें। ठीक है, ये मैंने डाला था वीडियो। फिर एयरफोर्स म्यूजिशियन भर्ती जो आसाम के लिए खाली आई थी, आसाम स्टेट के लिए, ठीक है, वो वैकेंसी, मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों को हेल्पफुल रहे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बोलूँगा आप लोगों को कि देखिए इस तरीके से मैंने लिखा भी है, लो भाई आरसीजी की वैकेंसी की अपडेट की वीडियो आ गई, देख लो, इंडियन मतलब नेवी से बेटर है ये। ठीक है, तो दोस्तों क्या चीज़ आप लोग के लिए बेटर है, क्या चीज़ में कंपटीशन कम है, क्या चीज़ में फॉर्म कम जाते हैं, क्या चीज़ में एग्जाम्स इजी होता है, क्या चीज़ में एग्जाम हार्ड होता है, किसमें आपको अप्लाई नहीं करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको दो टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ से जरूर जुड़िए, बिल्कुल भी आप लोग को आशा नहीं, निराशा नहीं मिलेगी इसमें, बिल्कुल आप लोगों का आशा है कि आप लोग को बिल्कुल आप पसंद करें चैनल को। ठीक है, बाकी एमटीएस की रिजल्ट की बात करते हैं तो आप लोग की एक ही फेज़ में होने वाला है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं कन्फर्म है कि आप लोग की फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में रिजल्ट आएगी। और जो आप लोग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बहुत सारे स्टेट्स के, जो है मतलब कि सेंट्रल रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, जिसका एसएससी एमटीएस 2023 वाला वैकेंसी का जो है अब तक ये जो स्टेटस आउट नहीं हुआ, एग्ज़ाम स्टेटस मतलब कि वही एग्जामिनेशन स्टेटस जो है आउट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को थोड़ा वेट करना है, आप लोग की जो स्टेटस जो है आ जाएगा। और सीआर यानी सेंट्रल रीजन दोस्तों तो वो एज यूजुअल वो लेट ही आता है, बट मैक्सिमम जो है करीब करीब वन वीक पहले आप लोग की आ ही जाती है अधिकांश। ठीक है, स्टेटस, एग्ज़ाम डेट एंड सिटी, बाकी आपको पता होगा कि एज यूजुअल जो आप लोग की एडमिट कार्ड होती है एग्ज़ाम के चार दिन पहले आती है, मैंने वही लमसम 3 से 4 दिन पहले आप लोग की आती है। तो यही सारे दोस्तों छः आज के वीडियो में। ठीक है, और एसएससी दोस्तों बहुत फॉर्म में काम कर रहा है, बिल्कुल भी आपको डिले देखने नहीं मिल रहा है, बट एमटीएस का डिले में बता देखो कारण क्या है कि हर चीज़ का उन लोगों को अलग अलग कट ऑफ लगाना है हर चीज़ का। फॉर एग्जांपल जो 2 ईयर 2 में करते हैं ना एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल के, तो वो दोस्तों एमटीएस के फर्स्ट एग्ज़ाम में कर लेना है, इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है कि डिले हो रहा है, बाकी आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है बिल्कुल भी। अगर आप लोग को एक बता दूँ कि आप लोग को थोड़ा सा उम्मीद है कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो जरूर से जरूर आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। और कितना स्कोर आप लोग का है, किस कैटेगरी से आप लोग आते हैं वो दोस्तों ज़रा मुझे एक बता दीजिए एक बार, जिससे दोस्तों मुझे भी एक आंकड़ा मिल जाए कि हाँ इतने बच्चे जो हैं लमसम एवरेज देख रहे हैं मेरा वीडियो और इतने बच्चे जो हैं मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।